राज्य विद्युत बोर्ड उपमंडल कोट के तहत आने वाले स्वारघाट 33 केवी सब स्टेशन पर तड़के सुबह 9 बजे रिपेयर करते समय जूनियर हेल्पर पंकज कुमार कश्यप की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बुरी तरह से झुलसे हुए युवक को पहले तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्वारघाट ले जाया गया, फिर वहां से उसे FRU नालागढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वारघाट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 33 केवी सब स्टेशन के सर्किट 2 पर रिपेयर के लिए परमिट लिया गया था, जबकि सर्किट 1 में बिजली की सप्लाई चालू थी और सब स्टेशन के खंभों पर रिपेयर का काम किया जा रहा था। इस दौरान खंभे पर चढ़े कर्मचारी ने यूनियन हेल्पर पंकज कुमार से नट बोल्ट खोलने के लिए चाबियां मांगी और वह 2 चाबियां लेकर पौड़ी से ऊपर आया। उसने कर्मचारी को एक चाबी थमाई जबकि दूसरी चाबी उसके हाथ में थी। इस दौरान वह अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते सर्किट 1 की तारों ने उसे अपनी ओर खींच लिया, जिसमें बिजली की सप्लाई चालू थी। कुछ सेकंड में ही उसके कपड़े जलकर राख हो गए। स्वारघाट पुलिस ने इस मामले के संदर्भ में जांच शुरू कर दी है और सबस्टेशन पर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं। विद्युत उपमंडल कोर्ट के SDO गुरजीत सिंह मान ने कहा कि इस मामले के संदर्भ में किसी तरह की विभागीय लापरवाही नहीं हुई है। यह एक हादसा है जो कि हेल्पर के अनियंत्रित होने के चलते बिजली की चपेट में आने के कारण हुआ है। थाना प्रभारी स्वारघाट संजय कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों की मांग पर विभाग के खिलाफ IPC की धारा 304-336 के तहत लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामले में विभाग की लापरवाही हुई है या नहीं।